ओके सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मी, माय नेम इज़ अमित रंजन। एंड आज का ये जो सेशन होगा, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे फील हुआ। देर आर ओनली टू क्वेश्चंस, बट ये दोनों क्वेश्चन ना मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील हुआ कि यार ये क्वेश्चन ना करने चाहिए। सो बेसिकली दीज आर टू क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेनिक्स, जो कि PYQ है फ्रॉम HCU। ये HCU का PYQ है, ठीक है। मैं आपको गेस करने के लिए भी दे सकता था, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनको हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि IIT जैम जो बच्चे 22 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सारे बच्चे जो कि JNU DU जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स भी होते होते मई जून तक का टाइम चला ही जाता है, ऑलमोस्ट मई जून तक का टाइम हो ही जाता है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो इस चीज़ को, तो यू कैन ज्वाइन दिस टारगेट बैच बाय अनअकैडमी। यहाँ पे 3 एजुकेटर जो हैं वो आपका IIT जैम 22 या फिर BHU DU 21 के 21 का सिलेबस जो ऑलमोस्ट, देखो मैं पूरा नहीं कह सकता कि ये पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट हाँ फॉर श्योर अगर एग्जाम मई तक में भी होते हैं तो आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा सिलेबस जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा फॉर BHU एंड DU। सो यू कैन ज्वाइन दिस सेशन, आप इन सेशंस को इसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस बैच कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th of October एंड दिस विल रन अप टू 20th of June, मतलब 8 महीने का कोर्स है ये। और 22 वाले बच्चे जो जैम 22 को टारगेट कर रहे हैं, वो उन बच्चों को तो फॉर श्योर इसको ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने आपके फ़ोन में अनअकैडमी का ये एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो और देखो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप इवन कुछ डेमो क्लासेस भी, सारे एजुकेटर्स जो होते हैं वहाँ पे डेमो क्लासेस भी ऑफर करते हैं, तो आप डेमो क्लासेस जो वो जाके अटेंड कर लो, देखो कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और उसके बाद फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, आपके पास जो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एट रेस्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ अ फोर्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एफ दैट इज इक्वल टू दिस। Here m is the mass, x is the this, and this is this. The time required for the particle to reach the force center from a distance d. मतलब सिंपल सी बात है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है f, that is equal to minus m k square by x cube. और इनके बीच का अगर डिस्टेंस d है तो आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो है वो कितना लगेगा। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो हमारे पास है क्या, f that is equal to माइनस एम के स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, माइनस एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, ओके गुड। चलो अगर ये है तो आपको पता हो कि एफ क्या होता है, दैट इज एम इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, दैट इज इक्वल माइनस एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एम से एम कैंसिल हो गया, सो डी वी बाई डी टी दैट कैन बी गिवन एज माइनस के स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो एक्स का फंक्शन यहाँ पे दिख रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या कि dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखना, dx बाई dt क्या हो जाता, दैट इज v, एंड dv बाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। दिस पार्ट इज ओके। अच्छा अगर ये चीज आपको समझ आ गई, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि यू कैन डू दिस कि v dv दैट इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू dx। दिस पार्ट इज ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वी स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लो आप, तो के स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर राइट प्लस सी, करेक्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनिशियल कंडीशंस ले लेते हैं। देखो हमारे पास है क्या, वी स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू, यहां पर इनिशियल कंडीशन लेते हैं, डिवाइडेड बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो एट टी इक्वल टू जीरो आपकी कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू जीरो डिस्टेंस कितना है डी, और आपकी वेलोसिटी है दैट इज जीरो। इसको पुट करोगे यहां पे आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू सी, नेगेटिव साइन के साथ इसकी वैल्यू क्या करो यहां पे पुट कर दो, तो वी स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर, करेक्ट है। टू सबको निपटा दो यहां से, आपका बच क्या गया वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर को बाहर ले लो, आपके पास क्या बचा, इसको एलसीएम ले लोगे क्या बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ओके। सो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, और उसके बाद क्या बच रहा है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। चलो बहुत अच्छे, टू तो कैंसिल हो चुका है, या गुड। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से वी स्क्वायर है तो यहां से वी ले लें, सो वी दैट इज इक्वल टू के बाय यहां से क्या आ रहा है डी एक्स, ठीक है, और उसके बाद क्या बन रहा है डी और एक्स, याद रखना इसका रूट लिया हुआ हमने, एंड डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी टी, सॉरी इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा के अपॉन एक्स डी, और उसके बाद ये क्या हो गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके चले जाओ, तो डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज सिंपली गिवन बाय ये क्या है आपका के अपॉन डी इंटू डी टी, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ के बाय डी इंटू डी टी। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट क्या होगी डी से लेकर जीरो तक, और ये जो होगी जीरो से लेकर टी तक, वेरी गुड, क्योंकि फोर्स के सेंटर पे चला गया आपका एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब यहां पे काम कर दो आप, टी तो दिया हुआ है यहां पे, आप एक काम करो जेड स्क्वायर मान लो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा टू जेड डी जेड दैट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डी एक्स, राइट, इसका मतलब एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू जेड डी जेड, इसका मतलब क्या हो गया डी से जीरो, और यहां पे क्या हो गया दिस इज सिंपली इक्वल टू जेड डी जेड, सॉरी दिस विल बी जेड डी जेड, सो डैश जेड डी जेड दैट इज इक्वल टू एक्स डी एक्स विद अ नेगेटिव साइन, या सो माइनस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रूट में जेड, और ये हो गया आपका सिंपली जेड, करेक्ट है, एंड दैट इज इक्वल टू ये क्या हो गया के टी बाय डी, राइट है, ये आप इंटीग्रेट कर दोगे, ये हो गया खत्म आपका नेगेटिव साइन शायद कैंसिल, हाँ नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव प्लस होके कैंसिल हो गया आपका ये वाला पार्ट, एंड यू विल बी लेफ्ट विद आपके पास क्या टर्म बच जाएगा dz का इंटीग्रेशन, और सॉरी देर विल बी नेगेटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन है, और d और जीरो इसको इंटीग्रेट करोगे दिस विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ d दैट विल बी इक्वल टू के टी अपॉन डी, यहां से क्या हो गया t दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय के, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर, सो द ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भैया, या सो ऑप्शन डी इज मैचिंग, डी जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से रीड करना प्लीज, क्योंकि इस पे आपको जरूरत पड़ेगी, देखो अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये ना यूनिफॉर्म मास m मत कर दो, यूनिफॉर्म पर यूनिट लेंथ जो दैट इज रो हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ सपोर्ट सो दैट द लोअर एंड जस्ट टचेस द टेबल, इफ इट इज रिलीज फाइंड द फोर्स ऑन द टेबल, मतलब सिंपल है, देखो ध्यान से कि एक रोप है, ठीक है, इसकी पूरी लेंथ जो है वो मान लो कि आपका L है, इसका क्या है कि अब क्या कर रहे हो धीरे धीरे आप इसको गिरा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो नीचे से ये धीरे धीरे गिर रहा है, तो कुछ पोर्शन जो है रोप का वो इस टेबल पे आ जाएगा, मान लो कि दैट पोर्शन इज x, अगर ये पोर्शन जो वो x है तो ये वाला पोर्शन क्या बच गया आपका L माइनस x, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो गिरा हुआ पोर्शन है ये इस सर्फेस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये HCU का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन जो थे आपके इसको रो एक्स जी कर लो, दूसरा कर लो बी ऑप्शन कर लो टू रो एक्स जी, सी ऑप्शन कर लो थ्री रो एक्स जी, एंड फोर डी ऑप्शन कर लो फोर रो एक्स जी, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके फाइन, सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, मास पर यूनिट रो जो है वो गिवन है, आपको ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल करता है वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट ऑफ टू जी एक्स, कोई डाउट नहीं इस पे, ये जो गिरा हुआ है मतलब डिस्टेंस x, देखो x डिस्टेंस गिर चुका है तो x डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी v दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gx, वेरी गुड, आपको पता फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू m dv / dt + v dm / dt, इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता, दिस इज जीरो बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, f क्या हो गया आपका v dm / dt, और आपको पता है कि d / dt मास क्या है That is rho into x, right? ये क्या हो गया v rho को बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा v rho और उसके बाद यहां पे क्या बच गया dx upon dt that is simply equal to rho v square, फोर्स आपका क्या रहा rho v square, ये कौन सा फोर्स है जब ऑब्जेक्ट नीचे ये जो स्ट्रिंग जो नीचे गिर रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है दैट इज rho v square, rho और v square की वैल्यू क्या है 2gx, इसका मतलब क्या हो गया 2 rho gx, ये क्या हो गया आपका फोर्स, ये अभी इसके गिरने वाला फोर्स है लेकिन जब ये नीचे रखा हुआ है तो भी तो इसका फोर्स लगेगा ना, जब ये टेबल पे रखा हुआ, ध्यान से देखो टेबल पे रखा हुआ तो नीचे की तरफ mg x mg फोर्स लगा रहा होगा ना, और mg की वैल्यू क्या हो जाएगी rho g into x, नेट फोर्स कितना हो गया 2 rho gx plus rho gx that is given by 3 rho gx, ठीक है, तो ये था इतना इस सेशन में, ठीक है,
अगले, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट लगे काफी कि हाँ अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।